आज के इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में आए हुए तमाम साथियों को मैं बादशाह फ्रेटर्निटी की तरफ से जय भीम हुल जोहार और शतरंग की सलाम पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं उन कश्मीरियों को अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ जो अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बगल में मजदूरी करता हूं, मैं बता देना चाहता हूं 2008 से लेकर 2019 तक जो मेरा लाइफ का संघर्ष है यही मेरा आज का प्रेसिडेंशियल डिबेट का स्पीच है। और जब मैं 2013 में इस कैंपस में आता हूं तो देखता हूं यहां पे लोग यहां पे किताब के जरिए पे जातिवाद को समझने का प्रयास करते हैं, किताब के जरिए पे यहां पे छुआछूत को समझने का प्रयास करते हैं, किताब से जरिए क्या इस्लामोफोबिया को समझने का प्रयास करते हैं, किताब के जरिए से जो कम्युनलिज्म को समझने का बात करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं जब मैं 2008 के दंगा को याद करना चाहता हूं जो इस देश के आरएसएस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठन ने जो दलित को नरसंहार करता है, जो दलित क्रिश्चियन है उसको नरसंहार करता है उनके और उनको जिंदा गाड़ता है और इनको जिंदा जलाता है और 50,000 जो दलित क्रिश्चियन है वो आज तक उनका पता नहीं होता है कि वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या अस्तित्व होता है। और दोस्तों आज ये आरएसएस और बीजेपी इस देश में एक पॉलिटिक्स खेल रहा है, एक डर का माहौल पैदा कर रहा है और ये जो एबीवीपी जैसा संगठन जिसे आरएसएस और बीजेपी जैसा जो हिंदुत्व फासिज्म का जो एक एजेंडा है उसको ले का इस देश में प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस मंच से लिंच किया जाता है, वो पहलू चाहे वो पहलू खान हो चाहे यूपी में हो बिहार में हो बंगाल में हो मुसलमानों को लिंच किया जाता है, गाय के नाम पे लिंच किया जाता है, श्रीराम के नाम पे लिंच किया जाता है, दलितों को लिंच किया जाता है, आदिवासी को लिंच किया जाता है। लेकिन एक बात भूलने नहीं चाहिए, आज इस देश के अंदर एक नेशनल मूवमेंट हो रहा है, इस देश के अंदर जो फासीवाद के खिलाफ लोग लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो रोहित बेमुला का मूवमेंट हो, भीमा कोरेगा उनका मूवमेंट हो, चाहे भीम आर्मी का मूवमेंट हो, इस देश का जो फासीवादी ताकत है उसको करारा जवाब दिया जा रहा है। और ये अंबेडकरवादी जो आंदोलन है ये कोई एसी रूम पे बैठ के तय हुआ आंदोलन नहीं है, ये स्पोंटेनियस रिवोल्ट है और ये स्पोंटेनियस रिवोल्यूशन फेंकेगा आपके जो पूंजीवादी आपके जो ब्राह्मणवादी सत्ता को उखाड़ के फेंकेगा। और ये बात ये लोग क्या बोलते हैं, जब इस देश का मजबूर अपना जो जब इस देश का मजदूर अपना बात बोलता है, अपना हक का लड़ाई का बात करता है, जब इस देश का मुसलमान अपना हक
के लिए लड़ता है, अपने ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाए, तो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग बोलते हैं ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग बोलते हैं ये लोग एंटी नेशनल है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच से, मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में कोई राष्ट्रद्रोही कोई संगठन है तो इस देश का RSS है और इस देश का BJP है और इस देश का IGBC है। और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे। अरे वाह, ये लोग अखंड भारत बनाएंगे। अरे अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, अरे भक्तो, पहले अपने जाति धर्म के ऊपर उठ के, पहले अपने जाति धर्म और वर्ग के ऊपर उठ के किसी शादी करके एक परिवार तो पहले बना के देखो, तब अखंड भारत की बात करना, तब अखंड भारत के बल्ले बात करना। अभी इन आतंकवादियों के बाद मैं बात करना चाहूंगा इन जमींदारों के बाद भी। ये जमींदार और ये थोड़ा सा शांत हो जाइए। और ये जमींदार कौन है मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं जमींदार बोलता हूँ वो इस देश का CPM वही जमींदार है, इस देश का SFI जमींदार है। ये बोलते हैं, ये हमको इस जो कैंपस में जब हम दलित आदिवासी स्टूडेंट आते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट आते हैं, जब अपना आवाज रखते हैं तो यही SFI के लोग बोलते हैं कि हमारे बदौलत आप लोग यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ हम किसी के खैरात के वजह से यहाँ पे नहीं है, इस देश के संविधान के वजह से है, बाबा साहेब के आंदोलन के वजह से। और एक बात बताना चाहता हूँ, बाबा साहेब का आंदोलन के साथ साथ सावित्री बाई फुले से लेके ज्योतिराव फुले से लेके पेरियार तक और केरला में आए काली जैसे रिवोल्यूशनरी लोग और मंडल कमीशन तक और पूरी ठाकुर से मंडल कमीशन तक लड़ाई करते हैं, तभी जाके हम इस कैंपस में आवाज रख पाते हैं, ना कि किसी के खैरात के वजह से। और ये लोग बोलते हैं कि हमने GSKS लाया। अरे वाह भाई, ये यहाँ के जो SFI है वो बोलता है कि हमने GSKS लाया। आज बड़ा जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ वो राजस्थान से जो भंवरी देवी आती है, वो भंवरी देवी अपने सगल के अपने जो सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ लड़ती है, राउंड राजस्थान के गाँव से लड़ती है और दिल्ली के शहरों तक लड़ती है, तभी जाके विशाखा गाइडलाइन आता है और उसी के तहत GSKS जैसा इंस्टीट्यूशन आता है। तो क्या, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश में जब जब जेंडर जस्टिस का बात होगा, इस देश में जब जब जेंडर जस्टिस का बात होगा, तब तक भंवरी देवी जैसे रिवोल्यूशनरी का बात होगा, फूलन देवी जैसे रिवोल्यूशनरी का बात होगा। और ये लोग फूलन देवी का बात नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे, उनका जो नोशन ऑफ जेंडर जस्टिस उतना दूर तक नहीं जाता है। उनका जेंडर जस्टिस उन जो बस्तर में लड़ रही दलित महिला और आदिवासी महिलाओं को नहीं ले पाता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि जेंडर जस्टिस का लड़ाई कर रहे हैं। केरला में चित्रलेखा जैसा दलित औरत वो अपने जो रोजी रोटी के लिए लड़ाई करती है, और ये जो केरला के जो SFI के जो गुंडे हैं वही SFI के गुंडे बोलते हैं, वही SFI के गुंडे बोलते हैं आप अपना जो अपना लड़ाई बंद कीजिए, नहीं तो हम आपको जला देंगे, आपके बेटी के साथ रेप करेंगे। यही SFI होते हैं। और इस बात बंगाल में जिस प्रकार से तापसी मलिक को, एक दलित महिला को खुलेआम रात में जाके उसको रेप करते हैं, ये CPM के गुंडे खुलेआम रेप करते हैं और उसके चिंता जलाते हैं और ये जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार का जेंडर जस्टिस का बात करते हैं। और क्या बात करते हैं पूंजीवाद का। अरे भाई वाह, पूंजीवाद को बात तो बहुत करते हैं आप। हम बताना चाहते हैं कि जो कैपिटलिज्म को लाने वाला जो जो कोई संगठन है तो CPM है। और आज अगर मार्क्स जिंदा होता तो पहले इस देश का जो बहुजन है, इस देश का अधिपति है, इस देश का पिछड़ा है, उसको बोलता कि अगर आपको आंदोलन करना है इस देश पे तो पहले SFI जैसे मनुवादी संगठन को खत्म करो, पहले CPM जैसे मनुवादी संगठन को इस देश से खत्म करो और उखाड़ फेंको। और ये लोग बोलते हैं ना साथी, हम समझ गए और इस कैंपस के लोग भी समझ गए, इस कैंपस के छात्र भी समझ गए हैं कि रिवोल्यूशन कौन लाएगा। और रिवोल्यूशन आप जेंडर जस्टिस को ना जेंडर से जस्टिस को समझे हैं, ना कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ने का समझे हैं, ना मार्क्स को समझे हैं। मार्क्स को हम समझे हैं, इस देश का जो फार्मर है वो समझा है मार्क्स को। और बताना चाहता हूँ, मार्क्स बोलते हैं कि द इमांसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इज लाइज इन द हैंड ऑफ द वर्किंग क्लास एंड नॉट फॉर योर AC रूम में लाइज इन द नॉट फॉर योर AC। और आप मार्क्स हो सकता है आपके लिए चाय का चर्चा का विषय और आपका कैफे में रोमांस का विषय हो सकता है, लेकिन मार्क्स हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है, अंबेडकर हमारे लिए संघर्ष
बात करते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, हम जैसे जो आज वर्किंग क्लास के फैमिली आज और ये लोग ऐसे ऐसे फैंगे लोग बोलते हैं कि आप तो इस मुसलमान संगठन से गठजोड़ करते हैं और ये लोग फैलाते हैं बादशाह जैसे संगठन और फ्रेटर्निटी के संगठन के खिलाफ कि आप इस्लामोफोब हो। और हम बता देना है ये जो एसएफआई का जो इस्लामोफोबिया है इस कैंपस का लोगों को पता है, जब मुस्लिम ये लोग मुस्लिम स्टूडेंट को वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं जब मुस्लिम स्टूडेंट अपना हक की बात करता है तब आप उसको तब आपको इस्लामोफोबिया का जो चश्मा है वो पहन के आप उसको बोलते हैं कि आप तो कम्युनल है, आप कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो। तो ये जो होमोफोबिया है ये एसएफआई का देन है। इन्हीं का सरकार केरल में रहता है, इन्हीं का सरकार का। और सबसे ज्यादा जो मुसलमान जो जेल के अंदर होता है यूएपीए के अंदर, तो यही लोग अंदर। और जब कैंपस की बात आता है पिछले 30-40-35 साल से यहाँ पे लेफ्ट का यूनियन रहता है, लेकिन क्या करता है आज भी एक भी प्रोफेसर ओबीसी प्रोफेसर इस कैंपस में नहीं है। तो इस किस प्रकार का श्रम क्रांति है, इसकी किस प्रकार का कम्युनिज्म है, हमको थोड़ा बता दीजिए, हमको भी समझ में आ जाए। और यहाँ पे मेरे जैसा जो गाँव देहात से जो स्टूडेंट आते हैं, गाँव देहात से छात्र आते हैं और बोलते हैं यहाँ के जो गाँव देहात से छात्र आते हैं उनको यहाँ पे ड्रॉप आउट किया जाता है। और यही प्रोग्रेसिव सेंटर सब में ड्रॉप आउट होता है, वो यहाँ पे खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। बादशाह जो अपने जब 2014 में बादशाह का इंसेप्शन होता है तो बादशाह कंसिस्टेंसली लड़ाई करता है जो ड्रॉप आउट का इशू को खत्म किया जाए बोल के, और बादशाह ने लड़ा है। और हम बता देना चाहते हैं कि शाह में हमारा एक काउंसिलर जीता है और जो हमारा काउंसिलर है और हमारा जो काउंसिलर जो शाह का ड्रॉप आउट बहुत रेट था, लेकिन आज हमारा काउंसिलर के काम के वजह से आज के डेट में एक भी ड्रॉप आउट नहीं है शाह स्कूल में। तो हम स्टूडेंट कम्युनिटी को बताना चाहते हैं जो गाँव से आते हैं वो देहात से आते हैं वो सभी को इन्वाइट करना चाहते हैं कि बादशाह जैसे आंदोलन में शामिल हो। ये जो लेफ्ट यूनियन जो लेफ्ट लेडीज यूनियन है इस कैंपस में एक स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा करने में बुरी तरह से फैल लेता है। और बादशाह जैसे इन्वाइट करना चाहता हूँ जो बीडब्ल्यूडी को